दोस्तों आज के इस वीडियो में कमाल का तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से दोस्तों आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को खुद से ही लिंक करा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को खुद से अपडेट कराने के लिए लिंक कराने के लिए दोस्तों आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे ccc.sept.gov.in लिख करके और सर्च कर देना है और दोस्तों इस वाले वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे नाम, एड्रेस, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से फिल कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नाम, एड्रेस, पिन कोड फिल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक आपको ऑप्शंस मिल जाएगा सेलेक्ट सर्विसेज का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको IPPR आधार सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक दोस्तों 5 साल के ऊपर के बच्चे का इनरोलमेंट यहाँ से करा सकते हैं और दूसरा दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को लिंक करा सकते हैं। तो मोबाइल नंबर को लिंक करना है इसलिए सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करते ही यहाँ पे दोस्तों आपके मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को इंटर OTP में फिल करना है और कंफर्म कर देना है। तो कंफर्म करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और इसको ट्रैक करने के लिए क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे रेफरेंस नंबर को फिल कर देंगे और फैच पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। अब दोस्तों आपके दिया गया एड्रेस पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक आधार सर्विस ऑपरेटर को भेजा जाएगा और दोस्तों वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा तथा इसकी जानकारी हेतु मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं।